आईपीएल के 17वें सीजन में 10 मैच खेले जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़े तादाद में स्टेडियम पहुंच रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में एक शख्स दूल्हा बनकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचा। दूल्हे की भेष में लड़के को देखकर लोगों ने खूब मजे लिए। इस मुकाबले को आरसीबी 7 विकेट से जीत गई। मौजूदा सीजन में मेजबान टीम को अपने घर में ये मिली पहली हार है। दीपक कुमार नाम के एक यूजर ने एक्स पर अपनी पोस्ट फोटो की है। इस फोटो में ये शख्स शेरवानी पहने और माथे पर साफा लगाए दिखाई दे रहा है। गले में मोतियों की माला है। शख्स पूरी तरह दूल्हा लग रहा है। उसने फोटो का कैप्शन लिखा, मैंने ऐसे ही आईपीएल मैच में शेरवानी पहनने का फैसला कर लिया। इस फोटो को देखकर लोगों ने वैसे तो कई कमेंट किए, लेकिन गायत्री भगवती नाम की यूजर ने जो लिखा उसे पढ़कर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गायत्री जी ने लिखा, फुल सपोर्ट दीपक भैया। दूसरे यूजर ने लिखा, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तीसरे यूजर ने लिखा, आपने ऐसा क्यों किया। आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीतना दूर की कौड़ी बन चुका है। 182 रनों को भी डिफेंड नहीं कर पाए हैं उनके गेंदबाज। दरअसल आईपीएल के मैच की बात करें तो विराट कोहली की 83 रन वाली पारी आरसीबी के काम नहीं आई। आरसीबी के 183 रन के लक्ष्य पीछा करते हुए नाइट राइडर्स ने उनकी तरफ से वेंकटेश ने गेंदबाजी की और साथ ही साथ वेंकटेश की तरफ से जो बल्लेबाजी की गई उसमें 50 रन उनकी तरफ से लगाए गए। 30 गेंदें उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई जिसमें 4 छक्के और 3 चौके थे। और नारायण की अगर बात करें तो उन्होंने 47 रन बनाए 22 गेंदों पर, जहां पर उन्होंने 5 छक्के लगाए वो भी 2 चौकों के साथ। तो इन तूफानी पारियों से 19 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट पर 186 रन बनाकर आसानी से केकेआर ने ये जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि आरसीबी की 3 मैचों में हुई ये दूसरी हार है। आरसीबी ने आपको बता दें कि 182 रन बनाए थे। आरसीबी ने इससे पहले विराट कोहली की मेजबानी में 59 गेंद में 4 छक्कों और 4 चौकों की वजह से नाबाद 83 रनों की पारी की, जहां पर बदौलत 6 विकेट पर 182 रन बनाए। कोहली ने कैमरन ग्रीन जो कि 33 रनों के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 और ग्लेन मैक्सवेल 28 रनों के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी भी की। दिनेश कार्तिक ने अंत में 8 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 20 रन बनाए। तो लगातार आरसीबी का प्रदर्शन आईपीएल के अंदर इस साल भी बेकार ही जा रहा है, जहां पर 3 मैचों में 2 मैच अगर देखे जाए तो वहां पर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच जो फैन वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए एक तरीके से ये मायूसी का सबब हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। अब आप आरसीबी के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आरसीबी आगे चलकर इस चीज को लेकर टेक ओवर कर लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।